अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान रज़ा है और आप ज़ीशान रज़ा ऑफिशियल देख रहे हैं। इस वक्त मौसम जो है वो काफ़ी सर्द है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। इस वक्त पंजाब भर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो बारिश से मौसम मज़ीद सर्द हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ चौधरी स्वीट्स एंड बेकर्स पर, जहाँ पर जो है वो यहाँ की धूम मची है सोन हलवे की। ये सोन हलवा कैसे तैयार होता है और सोन हलवा खाने वालों की यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद है जो यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में जो है वो ख़ास तौर पर जो बारिश से मज़ीद सर्दी में इजाफा हो जाए, तो ऐसे में दिल करता है क्यों ना हम गर्मा गर्म सोन हलवा खाएं। सोन हलवे के साथ यहाँ पर जो है वो लोग आ रहे हैं, तो गाजर का हलवा खा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर तैयार हो रहा है सोन हलवा ड्राई फ्रूट्स के साथ, तो चलें अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं बच्चों के साथ, यहाँ पर गाजर का हलवा और यहाँ अखरोटी सोन हलवा खाने के लिए। और यहाँ का जो सोन हलवा है बहुत ज़्यादा मशहूर है और यहाँ पर बच्चे खाकर इसे खूब जो है वो लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। प्लीज़ आप खाएं और बच्चों को खिलाएं। तो यहाँ पर जो है वो लोग दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर जो है वो सोन हलवा खाने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रुक कर रहे हैं। और यहाँ का जो गाजर का हलवा है जनाब, वो तो बहुत ही यमी है। इसमें बादाम और इसमें खोया शामिल किया जाता है। गाजर का ये हलवा जो है वो खाने के लिए लोग दूर दराज के इलाकों से रुक कर रहे हैं। साथ मौसम सुहाना है, बारिश हो रही है। चौधरी स्वीट्स एंड बेकर्स पर यहाँ पर शहरियों का रश लगा है, लोग दूर दराज के इलाकों से यहाँ रुक कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आने वाले जो हैं वो लोग यहाँ ज़्यादातर जो इस वक्त मांग है वो सोन हलवा जो कि अखरोटों से तैयार किया गया, अखरोटी सोन हलवा, और साथ है गुलाब जामुन और साथ है जी गाजर का हलवा। तो नाज़रीन, सर्दी का एहसास कम करने के लिए इस चौधरी स्वीट्स एंड बेकर्स का लोग रुक कर रहे हैं। और यहाँ पर उनको जो है वो हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो ख़ास तौर पे जो अखरोटी सोन हलवा है उसकी मांग में खासा इजाफा हो गया। साथ यहाँ पर गर्मा गर्म गुलाब जामुन है और यहाँ पर है जी यहाँ गाजर का हलवा, और ये जो है वो गर्मा गर्म जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है चौधरी स्वीट्स एंड बेकर्स की जानिब से। और यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपना मनपसंद यहाँ पर ख़ास तौर पे जो सोन हलवा है उसे खाकर खूब जो है वो लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ पर जो हम लोगों ने तैयार किया है चौधरी स्वीट्स वालों ने, उनसे भी बात करते हैं कि वो कैसे जो है उसे तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर शहरी जो है वो आए और अपना मनपसंद जो है वो हलवा खाकर खूब जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, खूब लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। तो यहाँ इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ शहरी आए उनसे मैं बात करता हूँ। अच्छा भाई, आप यहाँ पर आए तो गजरेला ख़रीद रहे हैं, सोन हलवा ख़रीद रहे हैं गजरेला, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें पसंद है चौधरी वालों की, हमें तो बहुत पसंद है। लेकिन अच्छा, अब तो गजरेला ख़रीद रहे हैं, बाकी चीज़ें तो इंशाल्लाह माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी होती है। हम तो काफ़ी कस्टमर हैं, आते जाते रहते हैं जी। शहरी जो है वो शौक से खाना पसंद करते हैं। सोन हलवा ख़रीदा जा रहा है, गाजर का हलवा ख़रीदा जा रहा है ताकि सर्दी का एहसास जो है वो कम हो सके। और सर्दी का तोहफा जो है सोन हलवे को समझा जाता है, इसलिए लोग यहाँ पर रुक कर रहे हैं चौधरी एंड स्वीट्स बेकर्स का। आप अगर चाहते हैं सर्दी का जो शिद्दत है उसका एहसास कम करने और मनपसंद सोहन हलवा और गाजर का हलवा खाने के लिए, तो चौधरी स्वीट्स एंड बेकर्स का रुख करें, जहाँ पर आपको एक ही छत तले बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और मज़ेदार लाजवाब हलवा मिलता है आपको। सोन हलवा, गाजर का हलवा और यम्मी किस्म के गर्मा गर्म जो है वो गुलाब जामुन। तो नाजरीन, रुक करें चौधरी स्वीट्स एंड बेकर्स का, दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ, और अपनी मनपसंद जो है वो यहाँ पर जो सर्दियों की सौगात है सोन हलवा और गाजर का हलवा खाकर जो है वो आप यकीनन लुत्फानंदोज़ होंगे।